नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा जी ने एक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो पितृपक्ष के बारे में है कि पितृपक्ष में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आप पितरों को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पितर नाराज होते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं बनता है, चाहे पूजा पाठ जितनी भी कर लेते हैं वो भी नहीं लगती है, क्योंकि अगर पितर नाराज हैं तो आपको वो खुश नहीं होते हैं, आपको प्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज़ होके जाते हैं, तो आपको कष्ट होना शुरू हो जाता है, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जो भी है कोई ना कोई बीमारी घर में लगी रहती है, धन का आगमन नहीं होता है, खर्चे जाता है, ये सब भी पितृ दोष के ही लक्षण होते हैं कि आपसे पितृ खुश नहीं है, आपको उनको खुश करने के तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर पे पितृ आपके किसी न किसी रूप में आते हैं तो आपको कभी भी किसी जानवर को भगाना नहीं चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए ज़रूर दे देना चाहिए, कि पता नहीं कौन से पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ गए हों। ठीक है, इन बातों का ये बता रहे हूँ कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इस बार जो पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं वो है 29 तारीख से, 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। इन दिनों में 16 दिनों में आपको अपनी सारी चीज़ों का कुछ नियमों का भी ध्यान रखना है और कौन से उपाय है जो आप कर सकते हैं। आते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय क्या है, जानकारी है एक तरह से ये कि पितृपक्ष यानी इन 16 दिनों में आपको कौन से काम, 2 सब्जियां आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, बाकी सब चीज़ों का तो जो परहेज़ रहता है वो अलग रहता है, लेकिन 2 सब्जियों का स्पेशल परहेज़ है। पहला तो है पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी की सब्जी वैसे चाहे जब खाइए, लेकिन इन दिनों में यानी कि 15 दिन जो आपके 15-16 दिन होते हैं, इन दिनों में आपको पत्ता गोभी की सब्जी घर में अपने नहीं बनानी चाहिए। पितृ इससे अप्रसन्न होते हैं, खुश नहीं होते हैं अगर आप ये सब्जी बनाकर खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, 15 दिन की ही बात होती है, कोशिश करिए। दूसरी चीज़ जो होती है वो है कुंदा की सब्जी। कुंदा की सब्जी कौन सी होगी, बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, जो वाइट कलर का होता है, कद्दू नहीं है ये, कद्दू के जैसा ही एक होता है जिससे पेठे बनते हैं, दूसरा कद्दू होता है सफ़ेद वाला जो कद्दू होता है, ऊपर से देखने में भी वाइट रहता है, कद्दू के जैसा देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग होता है कद्दू से, पर होता उसी की वैरायटी है। कुंदा कैसे इसको, इससे पेठे जो बनते हैं, ये वाला कद्दू भी आपको नहीं खाना है, इसको आपको अवॉइड करना है पूरे 15 दिनों तक। इसको खाने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं, मना किया जाता है ये खाने को भी। तो ये तो सब्जियाँ आपको पूरे 15 दिन तक नहीं खानी है, अपने घर में नहीं बनानी है, अवॉइड करना है, ये तो पहला हो गया। आते हैं दूसरे उपाय पर। आपके घर में जहाँ पर मटका वगैरह रखा रहता है वो पितरों का स्थान माना जाता है, स्पेशली पितृपक्ष के दौरान। अब मटका नहीं है घर में तो फिर जैसे जहाँ पर आपका फ्रिज वगैरह रखा है, जहाँ आपका आरओ लगा हुआ है पानी भर गया, या कहीं पर आप पानी भर के रखते हैं किचन वगैरह में, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, शुद्ध जल भर लीजिएगा तांबे के लोटे में, ठीक है, और 2 आपको फूल लेने होंगे सफ़ेद रंग के, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी सफ़ेद रंग का फूल चलेगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही चाहिए, कोई भी 2 सफ़ेद रंग का आपको फूल ले लेना है, तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा और वो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपका जहाँ पर मटका रखा रहता है रात में आपको उसी स्थान पर भर के रख देना है, ढक भी दीजिएगा उसको, जल को आपको ढक देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 29 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो 28 तारीख को आप ये उपाय कर लीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली 28 को ही उपाय करेंगे, पूरे पितृपक्ष में आप ये जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं और चाहें तो रोज़ ये उपाय कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 से शुरू हो रहा है, मान लीजिए आप पहले से ही उपाय शुरू कर दे रहे हैं, 28 की रात को रख दिया है, ढक के रख दीजिएगा वो डाल के, उसके बाद और साथ ही साथ मंत्र बोलना है ओम पितृ देवाय नमः। फिर आपको दूसरे दिन सुबह उठना है, सुबह उठ के नहा धो लीजिए और सबसे पहले घर से कोई भी सदस्य बाहर ना निकला रहे, तभी सुबह सुबह में ही आपको जो आपके घर के मुख्य दरवाज़ा होता है उसके दोनों तरफ आपको जल छिड़काव करना है, जो तांबे का लोटा में आपने जल रखा था उसको उठा लीजिए और फूल उसी फूल से जल का छिड़काव कर दीजिए दोनों तरफ में, पूरा जल आपको गिराना है, ख़त्म करना है वहीं पर, ठीक है, दोनों तरफ आपके मुख्य द्वार के आसपास ही नहीं होता, जो बचता है तो फिर किसी पग गमले में जाके डाल दीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आसपास घर के बाहर पूरा बाउंड्री दरवाजे के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको अच्छे से छिड़क दीजिएगा दरवाजे पर भी। उसके बाद दोनों फूल भी आपको दोनों तरफ रख देना है, दाएँ और बाएँ तरफ दरवाजे की, ठीक है, और स्मरण करना है ओम पितृ देवताय नमः। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जो भी कि उनको आप एक तरह से जल दे रहे हैं, उनको जल ग्रहण करने को मिल रहा है, उनको आप सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर कष्ट नहीं आने पाता है, पितृ उससे पहले ही आपकी रक्षा कर लेते हैं, इसलिए ये उपाय आपको करना चाहिए। चाहे तो पूरे पितृपक्ष डेली आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो बीच बीच में किसी किसी दिन तो ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा।
आते हैं तीसरे उपाय पर। आप घर में जो भी भोजन बनाएंगे पितृपक्ष के दौरान, जो भी भोजन आप बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका जो पहला भाग होता है वो आपको पितरों के लिए निकाल देना होगा। ठीक है, पहले जो भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले आपको उस चीज़ को पितरों के लिए निकाल दे के अलग रख देनी है। मान लीजिए रोटी आपने बनाई, रोटी देरी बनती ही है, तो आपको एक रोटी जो पहली रोटी बनाएंगे वो पितरों के नाम से बनाकर सबसे पहले आपको पितरों के लिए अलग कर देना है खाना। पूरे 15 दिन आपको ये करना है। जो भी चीज़ बनाएं, दाल चावल रोटी सब्जी, थोड़ा सा पितरों के लिए आपको निकाल देना है। उसके बाद आपको जो बाद में क्या करना है, उसको चाहे तो आपके घर पे जो भी जानवर आते हैं जैसे गाय है, आप चाहे गऊ माता को खिला दीजिए, किसी कुत्ता है उसको खिला दीजिए, कौए को खिला दीजिए आप वो खाना, या फिर नहीं कुछ है तो पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए वो खाना। ठीक है, पीपल के पेड़ पे भी आप रख सकते हैं जो भी आप बनाते हैं। रोटी है सबसे आसान तरीका होता है, रोटी को खिलाना आसान होता है, तो रोटी रख दीजिए। मान लीजिए रोटी नहीं बना रहे हैं तो खाली आटा, जो कट्टा आटा माड़ के रखते हैं ना, वो भी आप किसी को खिला सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको ले जाके चुपचाप से रख देना होगा। ये डेली करना है और सबसे पहला भोजन उनके लिए निकालना है पितरों के लिए। आपको पहले पितरों को याद करना है पूरे 15 दिनों में, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करना है। मान लीजिए तुरंत नहीं निकाल के नहीं खिला पा रहे हैं गाय को, तो उनका निकाल के पहले अलग कर दीजिए, किसी कटोरी में रख लीजिए, उसके बाद फिर बाकी लोग को भोजन करवा दीजिए, और वो भोजन थोड़ी देर बाद आप जो भी गाय वगैरह आएंगी उनको आप दे दीजिएगा, या कुत्ते वगैरह जो भी आते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले भोजन पितरों के लिए निकालना है। अब आ जाते हैं अपने चौथे, जानकारी है उपाय क्या है, जानकारी है क्या खाना चाहिए आपको। जो मुख्य रूप से बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुख्य जो होती हैं वो है काला उड़द। सबसे पहली चीज़ जो आपको पितृपक्ष के दौरान ज़रूर खानी चाहिए, डेली नहीं खा सकते हैं तो बीच बीच में किसी न किसी दिन पूरे पितृपक्ष में खाना चाहिए, वो काला उड़द। उड़द की दाल से आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी डिश बनाकर, चाहे दाल बना लीजिए खाइए, खिचड़ी बना के खाइए, या कोई और रेसिपी होती है बड़े वगैरह है बना के खा लीजिए, रेसिपी बना के, किसी भी तरह से, कहने का मतलब है आपको आपके पूरे परिवार के सदस्यों को उड़द की दाल, काले उड़द का दाल ज़रूर खाना चाहिए। चाहे जिस रूप में भी आप उसको बना के, जैसे भी बना के खा सकें खाइए वैसे। ठीक है, ये एक चीज़ ज़रूर खाइएगा पितृपक्ष में। दूसरी चीज़ जो होती है वो है तुरई। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तुरई जो होती है बहुत आसानी से सब्जियों में मिल जाती है, उसको भी आपको पितृपक्ष के दौरान तुरई की सब्जी ज़रूर बना के खाना चाहिए। ये सब्जियाँ ऐसी चाहिए चीज़ें, चाहे आप रोज़ खाएं, चाहे बीच में किसी किसी दिन खाएं। तीसरी चीज़ होती है वो है खीर, चावल वाली खीर आपको पितृपक्ष में बनाना चाहिए। वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा को आपको बनाकर खुद भी खा लेना चाहिए, माता लक्ष्मी को भी प्रिय होती है इसलिए, और अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है तो उस दिन जरूर बना के पितरों को के बहाने किसी भी जानवर को आपको खिला देना चाहिए। ठीक है, और खुद भी खाना चाहिए। तो इस बार पूरे पितृपक्ष के, सिर्फ अमावस्या नहीं, पूरे पितृपक्ष के दौरान आप बीच में किसी भी दिन खीर बना के खाइएगा। अपने घर के हर एक सदस्य को आपको खीर खिलानी है, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से खीर मीठे का प्रयोग होता है, उस तरह से घर में अच्छे वातावरण आता है, घर में अच्छी वाइब्स आती हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी आती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहीं किसी न किसी तरह से वो भी आपको इस भोजन को ग्रहण करते हैं, इन भोजन से पितर प्रसन्न होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हैं पितृपक्ष में आपके कौन से उपाय करने हैं, क्या खाना है, क्या इग्नोर करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान की कृपा आपके आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके पितृगण आपसे प्रसन्न होकर जाएं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, ऐसी कामना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।